Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So today we are going to discuss a new topic, that is viscosity. And viscosity is the most important topics for class 11 examination. So now, viscosity. What is viscosity? And examples of viscosity? Simply, let's say ki we have a container of liquid. And some liquid are filled it in this container. Okay? Now, let us suppose initially liquid are at rest. Liquids are at rest. Rest pe. Humne kya kara? Isko apne kisi bhi rod ki help se humne kya kara? Isko hila diya liquid ko. स्टीरियर के हेल्प से क्या कर दिया हमने इसको लिक्विड को मूवमेंट दे दिया, मोशन पे ले आए. अच्छा, अब मूव करके लिक्विड को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं एंड सिट एंड ऑब्जर्व द लिक्विड. जब हम उसको ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद आप लास्ट में देखोगे कि इनिशियली धीरे 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 लिक्विड की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है. लिक्विड को जब हमने मूवमेंट दिया है, मूवमेंट देने के बाद उसको छोड़ दोगे लिक्विड को इनिशियली, देन यू ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ लिक्विड ग्रेजुअली स्लो. ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे 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 डिक्रीज हो जाते हैं. फाइनली आफ्टर सम टाइम्स 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, वो लिक्विड पे डिपेंड करता है. आफ्टर सम टाइम्स लिक्विड जो है वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब स्पीड जीरो हो जाता है. होता है अक्सर, है ना? आप बोतल के अंदर पानी भर के रख दो, उसको हिला दो, छोड़ दो, कुछ देर तक तो हिलता रहेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम रेस्ट में आ जाएगा. इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स इस लिक्विड के लेयर्स के बीच में वर्क करता है जो उसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. क्योंकि सिंपली लेट्स से अगर कोई भी सरफेस है, या इस सरफेस पे अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं एक सम स्पीड, बहुत कम स्पीड से, एंड वी गेट कि ये बॉल इनिशियल तो मूव करेगा, फाइनली किसी पॉइंट पर क्या जाएगा, ये रुक जाएगा. इसका मतलब इस बॉल के मोशन को भी किसी ने अपोज किया है. जिस फोर्स ने इसको अपोज किया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहां पे बॉल आके इस पोजीशन से इस पोजीशन में क्या जाता है, रुक जाता है, रस्ट में आ जाता है कि नहीं? लेकिन लिक्विड में कौन सा फोर्स है, या लिक्विड का वो नेचर क्या है, लिक्विड का वो नेचर क्या, जिसमें उसके मोशन देने के बाद आफ्टर सम टाइम लिक्विड फिर से रेस्ट में आ जाता है, फिर से रुक जाता है. इसका मतलब है लिक्विड के लेयर के बीच में कोई ऐसा एक अपोजिंग फोर्स है, कोई एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जो उसके रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स. इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स. मतलब यहां पे जस्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को यहां पे लिक्विड के टर्म्स में बोला गया है विस्कस फोर्स, जो क्या करता है, अपोज करता है. ठीक हो गया, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज व्हाट, द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ व्हिच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन. जब फ्लूइड किसी में होता है, मोशन में होता है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे प्ले में आता है, एक्ट हो जाता है, और विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स. तो उनके डिफरेंट लेयर के बीच में, लिक्विड के डिफरेंट लेयर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, एंड उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण लिक्विड के लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, वो रिलेटिव मोशन अपोज होता है. जब वो रिलेटिव मोशन अपोज होता है, तो प्रॉपर्टी लिक्विड की इस प्रॉपर्टी या फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं. ठीक है, एंड लेयर के बीच में जो अपोजिंग या ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, दैट ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. लेट अस अज्यूम दिस इज अ सरफेस. एक सरफेस है, जब इस सरफेस से लिक्विड फॉल करता है या लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड जब फ्लो करता है तो एक लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है. इसके फॉर्म में लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है, एक लेयर्स के ऊपर दूसरा लेयर मूव करता है. तो जो बॉटम वाला लेयर हो यहां पे, तो बॉटम वाला लेयर तो सरफेस के साथ क्या जाएगा, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा,
ये नीचे वाला जो लेयर है लिक्विड का एकदम, ये तो जाएगा यहाँ पर रेस्ट पे जीरो पे, इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी जीरो जाएगी। तो आपने देखा होगा कभी किसी सरफेस पे अगर वाटर फ्लो होता है या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो एक पत्थर की जो लेयर है वो उसी सरफेस पे क्या होता है चिपक जाता है, मतलब बैठ जाता है आपका सरफेस, है ना। तो एक लेयर नीचे रह जाता है। अब ये जो लेयर है एकदम डाउनवर्ड लेयर जो है भाई, इसके ऊपर जो लेयर है क्लियर जो लिक्विड का फ्लो रहा है, इस लिक्विड लेयर को वो अपोज करता है, वो खींचता है उसको पीछे। क्योंकि लेट्स से अगर मॉलिक्यूलर लेवल्स पे अगर देखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। तो सिंपली ये नीचे वाला मॉलिक्यूल से ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल से, ओके। नाउ लेट्स से ये वाला जो लेयर है आपका, ये तो है रेस्ट में, जो कि नीचे वाले सरफेस के साथ ये अटैच हो गया रेस्ट में आगे। अब जब ये वाला ऊपर वाला जो लेयर है जब ये मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या वर्क करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे कि इसका रिलेटिव पोजीशन यहां पे आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल्स ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल्स भी आगे बढ़ेगा, ये भी अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करेगा, मॉलिक्यूल्स इसको खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल्स आगे जाएगा तो ये भी क्या करेगा इसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही लेयर टू लेयर जब हम लिक्विड में ऊपर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटीज चेंज होती है, वेलोसिटीज उस केस में डिक्रीज होती है, क्योंकि इट इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही विस्कोसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका कॉज हो गया ये, और सिंपली जो एकदम अपर लेवल पे जो आपका लेयर होगा, अपर लेयर जो होगा, अपर लेयर की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लोअर लेवल की मतलब जो एकदम बॉटम पे है उसकी वेलोसिटी जीरो, लेकिन जो अपर लेवल पे होगा या अपर सरफेस पे होगा उस लेयर की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे इस बॉटम से अपर लेयर की तरफ मूव करेंगे डिस्टेंस के साथ एक्स के साथ, तो वेलोसिटी जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, इट मींस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होता है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी अपॉन डीएक्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट, इट इज सिंपली वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज of velocity with respect to distance is called velocity gradient, is called velocity gradient, ठीक है, इसको बोलते हैं velocity gradient। तो आपका जो विस्कोस फोर्स है, फोर्स ऑफ विस्कस जो कि ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, विस्कोस फोर्स डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड जो लिक्विड सरफेस पे जो एरिया है उस एरिया पे डिपेंड करती है। जब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जब मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उन दोनों लेयरों के बीच जो एरिया है उस एरिया पे डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड सेकंड थिंग्स इट इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लेयर्स, लेयर्स की जो एरिया है उस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इसी के बेस पे यहां पे हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स लेते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कोफिशिएंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ईटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहां पे, तो नेक्स्ट टॉपिक इज
कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। लेट अस अज्यूम दिस इज अ फिक्स्ड सरफेस और इसके ऊपर आपका लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है, एंड लेट अस सपोज वी हैव टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, दिस इज लेयर फर्स्ट है ना, और इससे कुछ सम डिस्टेंस हाइट पे एक सेकेंड लेयर है, दैट इज लेयर सेकेंड। क्लियर? नाउ लेट अस अज्यूम फर्स्ट लेयर की जो डिस्टेंस है बॉटम से दैट इज एक्स, एंड अपर लेयर की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एंड नेक्स्ट टेक लेट अस सपोज इस लेयर की वेलोसिटी v है और इस लेयर की जो वेलोसिटी दैट इज v प्लस, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट होगा वेलोसिटीज, लोअर लेयर की जो वेलोसिटी है वो कम होगी, अपर लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो सिंपली यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा सिंपली डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट डेल्टा v, एंड चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिफरेंस इतना इन दोनों के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा x। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं जिससे आ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट सिंपली दैट इज dv अपॉन dx या डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ओके नाउ गुड, नाउ विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स बिटवीन द, ऐसे लिखते सिंपली द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स F डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ लेयर्स। विस्कस फोर्स फर्स्ट F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा x, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा x, एंड सेकेंड थिंग F इज प्रोपोर्शनल टू A, सेकेंड जो फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स होगा दैट इज एरिया पे डिपेंड करेगा। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिक्स अप करोगे देन वी गेट F इज इक्वल टू A इनटू डेल्टा v बाय डेल्टा x, डेल्टा v बाय डेल्टा x, यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर रहा, देन वी गेट ए कांस्टेंट दैट इज eta, दैट इज eta, इसको बोलते हैं eta, बोलते हैं eta, ठीक ना, eta बोलते हैं इसको eta, eta इनटू a डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, तो f इज इक्वल टू eta इनटू a इनटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, वेयर eta इज coefficient of, coefficient of viscosity, तो eta जो है वो coefficient of viscosity है, viscosity coefficient को represent करता है eta। clear? now if let us assume if delta x जो है वो आपको बहुत ही negligible है, बहुत negligible distance है, tan delta zero को, then force F is equal to limit delta x is tends to zero, then eta a delta v upon delta x, then इस केस में delta v upon delta x को dv upon dx लिख सकते हैं, then we get eta a dv upon dx हो जाएगा। This is equation for the viscous force. This is equation for viscous force. And now next thing, जो viscosity है, viscous force है, है ना, वो हमेशा motion के क्या होते हैं? Opposite होते हैं, तो यहाँ पे negative sign लेंगे। क्या लेंगे? Negative sense, negative sense. Just it shows that viscous force is always opposite to the relative motion of layers. Yeah, relative motions between the layers. ठीक है? तो layers के बीच का जो relative motion है, उसके opposite direction में जैसे क्या होता है, viscous force work करता है. तो यहाँ पे जो viscous force work करेगा, इसका direction होगा इस direction में. इसके opposite होगा. That is coefficient of viscosity. Now, coefficient of viscosity को define करेंगे, तो let us suppose if A is equal to 1 meter square and dv upon dx, dv upon dx is equal to 1 meter per second, meter per second per meter, है ना,
वी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एंड डीएक्स का हो जाएगा मीटर, तो मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। देन f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू गेट ईटा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे तो f जो है वो ईटा के इक्वल हो जाएगा। देन यहां पे इसका इक्वेशन मतलब डेफिनेशन जो है, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड may be defined as the tangential viscous force, tangential viscous force, ठीक है, required to maintain, required to maintain a unit velocity gradient between two parallel surface or tangential surface या parallel layers of यूनिट एरिया, ऑफ यूनिट एरिया। तो सिंपली विस्कोसिटी जो आपका सिंपली डिफाइंड होगा, हैज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द, देखो इसके इक्वल है ईटा जो है वो एफ के इक्वल है, डिफाइन एज द टेंजेंशियल विस्कोसिटी, क्योंकि टेंजेंट वर्क करता है, मोशन के अपोजिट है, टेंजेंट वर्क करता है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल्स लेयर ऑफ यूनिट एरिया, मतलब अगर टू लेयर्स है, पैरेलल लेयर्स है, यूनिट एरिया का लेयर्स है एंड उसके बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, उस वेलोसिटी ग्रेडियंट को यूनिट बनाए रखने के लिए, पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट को यूनिट बनाए रखने के लिए उनके बीच में जो एक टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स वर्क करेगा, उस विस्कोस फोर्स की जो वैल्यूज है या जो क्वांटिटी है या मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो नाउ नो डाउट नेक्स्ट थिंग इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट क्या लेते हैं, यूनिट किसमें मेजर करते हैं, नाउ लेट्स से यूनिट ऑफ ईटा जो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में पॉइस में मेजर करते हैं, एंड एसआई में, एसआई सिस्टम में इट इज मेजर्ड इन डेकापॉइस, डेकापॉइस या पॉइसरी बोलते हैं, डेकापॉइस और पॉइसरी, ठीक है, तो पॉइस या डेकापॉइस या सिंपली आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो इसका यूनिट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहां से आपका यूनिट बन जाएगा, यहां से अगर यूनिट बनाओगे इस फॉर्मूले से, यहां से ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू ए, सॉरी एफ ए अपॉन एफ इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहां से यूनिट बनाओगे मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर न्यूटन सेकेंड। तो ऐसे सिस्टम है, उसको लिख सकते हो, सीजीएस में आप यहां से बना सकते हो मीटर को सेंटीमीटर में, न्यूटन को डायन में एंड सेकेंड सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर डायन सेकेंड भी आप लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसका जो यूज करते हैं दैट इज सीजीएस यूनिट इज पॉइस एंड एसए यूनिट इज डेकापॉइस। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायमेंशन ऑफ ईटा, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देन वी गेट डायमेंशन ऑफ ईटा, डायमेंशन ऑफ ईटा जो यहां से लेगा, ईटा इज इक्वल टू अभी फॉर्मूला निकालते हैं ए अपॉन एफ इनटू डेल्टा बी बाय डेल्टा एक्स, देन डायमेंशन निकालेंगे इसका, डायमेंशन ऑफ ईटा देखो एरिया, एरिया का डायमेंशन दैट इज एल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, एफ का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, है इनटू
डीवी दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइड बाय एल डेल्टा एक्स फोर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा एल, एल से कैंसिल, एल से कैंसिल, देन वी गेट एम की पावर माइनस वन एल बचेगा यहां से ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर वन हो जाएगा दैट इज डायमेंशन ऑफ ईटा. सो नाउ नो डाउट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक्स लॉ. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक्स लॉ. देखो स्टॉक्स लॉ इज व्हाट, स्टॉक्स लॉ किसके लिए हम डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स लॉ डिस्कस करते हैं. लेट सपोज कोई भी एक लिक्विड कंटेनर है जिसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल्टर है, एंड इस लिक्विड लिक्विड के अंदर एक स्मॉल बॉल जो है कितना विस्कोस फोर्स एक्सपीरियंस करता है या इस बॉल के ऊपर कितना विस्कस फोर्स अप्लाई होता है या अप्लाइड होता है वो कैलकुलेट करते हैं हम स्टॉक्स लॉ से. तो स्टॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे यहां पे जो आपका विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स यहां पे सिंपली डिपेंड करता है थ्री फैक्टर्स पे. फर्स्ट फैक्टर दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज ईटा. नेक्स्ट थिंग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉल जिस वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है वी, एंड रेडियस ऑफ द बॉल. इस बॉल का अपना एक रेडियस होगा, इस रेडियस पे डिपेंड करता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय दैट इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी दैट इज विस्कस फोर्स which is applied on a spherical ball by the liquid. Is it clear? Now, proof. देखो इसको proof किस तरीके से करेंगे? Proof करने के लिए simply dimension formula use करेंगे. Now, let कि f जो है यहाँ पे simply proportional है r की power a, eta की power b, and b की power c के. Okay, f is proportional to r की power a, eta की power b, and b की power c. इसके प्रोपोर्शनल है. सो नाउ f इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k r की पावर a ईटा की पावर b एंड b की पावर c. टेक द डायमेंशन बोथ साइड, डायमेंशन दोनों साइड का लो डायमेंशन लो. फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml t माइनस 2 k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ r रेडियस, रेडियस इज l, l की पावर a ईटा अभी लिखा था मैंने डायमेंशन दैट इज एन की पावर माइनस वन एल एंड टी की पावर वन की पावर बी एन बी एल टी माइनस टू दैट इज सी. तो एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू इसके अंदर मल्टीप्लाई सॉरी पावर अंदर लेना इसमें तो एल की पावर ए एल की पावर बी और यहां से एल की पावर सी तो एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी. नाउ सेकेंड थिंग नेक्स्ट Now, m की पावर माइनस बी एम की पावर माइनस बी ना एम की पावर माइनस बी एंड टी की पावर बी माइनस का टू सी माइनस का टू सी सॉरी ईटा ईटा के डायमेंशन यहां पे एम एल एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन L की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन होगा. यहां पे L की पावर A B की पावर ये माइनस हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा और यहां पे C ये प्लस हो जाएगा और L की पावर प्लस B और यहां पे T की पावर माइनस B और माइनस का 2C वेलोसिटी है सॉरी ये हमने उसका ले लिया
वेलोसिटी का डेफिनेशन m माइनस वन होगा, है ना, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करो बोथ साइड में, कंपैरिजन बोथ साइड, पावर की कंपैरिजन करो, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन प्लस बी इज इक्वल टू वन एम की पावर वन एंड माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू वॉट माइनस का टू, तो b इज इक्वल टू वन तो माइनस वन और प्लस टू इज इक्वल टू सी, टू को तो ले जाओ सी को तो भेज दो, तो सी इज इक्वल टू जो यहां से वन, b की पावर वन बी वन है c वन है, यहां पे सबमिट कर दोगे तो bc से c कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू का वन हो जाएगा, तो abc का वैल्यू वन बना रहा है, इट मींस फोर्स f इज इक्वल टू, फोर्स f इज इक्वल टू k a की पावर सॉरी r की पावर वन ईटा की पावर वन एंड b की पावर वन। ठीक है, यहां से आपका फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू k का वैल्यू है ना SI यूनिट 6 पाई लेते हैं, दैट इज r ईटा ये हो जाएगा आपका स्टॉक्स, आ जाएगा स्टॉक्स। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट ये हो गया सिंपल सा टॉपिक स्टॉक्स लॉ और उसका डेरिवेशन, एंड नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी सिंपली लेट्स से भाई दिस इज अ कंटेनर, नाउ इट इज अ फिल्डेड बाय अ लिक्विड, पूरा फिल्डेड है लिक्विड से, लेवल ही हो गया। लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर एक बॉल है या एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो इसमें क्या कर रहा है लिक्विड के अंदर फॉलो कर रहा है, यहां बना लेता हूं नीचे, है ना, इस पोजीशन पे है, तो एक तो इस लिक्विड के अंदर ये जो आपका एक स्फेरिकल बॉल है या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास होगा लेट अस एक्ट डाउनवर्ड, एंड जब लिक्विड के अंदर ये फॉल करेगा तो लिक्विड क्या करेगा, इसके सरफेस पे विस्कस फोर्स लगाएगा दैट इज एफ। ठीक है, लिक्विड क्या करेगा इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा, कहां, ऊपर के डायरेक्शन में एफ। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब लिक्विड इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगाएगा, इसके पूरे सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा, वॉल्यूम पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स, तो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स भी वर्क करेगा दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, क्या जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनिशियली जब लिक्विड के अंदर ये जो बॉल जब फॉल करता है तो इनिशियली क्या होता है, इसका वेट ज्यादा होता है, इनिशियली जब लेट्स से अगर इस पोजीशन में यहां पे है इस पोजीशन लिक्विड सरफेस में, तो लिक्विड सरफेस में क्या होता है क्योंकि ना तो इस पे थ्रस्ट फोर्स होता है ज्यादा और ना ही विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन सिंपली जैसे जैसे ये बॉल जो है इस लिक्विड के अंदर फॉल करता है डाउन डेप्थ में जाता रहता है, तो सिंपली इस केस में जो आपका फोर्स ऑफ विस्कस विस्कोसिटी जो फोर्स है विस्कस फोर्स एफ जो है वो इंक्रीज होता है, एंड उसको ये विस्कस फोर्स जो है वो mg को क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है, mg को ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो इनिशियली मतलब एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में mg ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, तो mg ज्यादा होने के कारण वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी यहां पे इंक्रीज होगी, जब ये बॉल जो है वो नीचे फॉल करेगा देन इस केस में इनिशियली क्या होगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि क्योंकि इनिशियल कंडीशन में mg इज ग्रेटर देन u, u इज द अपथ्रस्ट फोर्स एंड f इज विस्कस फोर्स, तो mg ग्रेटर होगा, तो mg ग्रेटर होने की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा इनके, जैसे जैसे लिक्विड नीचे डेप्थ में जाता सॉरी जैसे जैसे आपका बॉल जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के डेप्थ में जाता जाएगा, यहां पे सिंपली फोर्स ऑफ विस्कस क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो आपका अपथ्रस्ट फोर्स है ठीक, तो ये F इंक्रीज होता जाएगा, जब F इंक्रीज होता जाएगा तो इस केस में
एमजी को ये क्या करे, एमजी को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा यहाँ पे जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, फिर उस कंडीशन में एमजी जो है वो आपका हो जाएगा यू प्लस एफ के बराबर। जब ये दोनों फोर्सेस मतलब डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, देन इस केस में जो आपका वेलोसिटी वी है, ये वेलोसिटी वी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी वी तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में क्या करता है, मूव करता है, एयर इज अ फ्लूइड, जब वो फ्लूइड में मूव करता है देन उस केस में उस वाटर ड्रॉपलेट्स की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड से फिर वो नीचे, इनिशियली जब वो क्लाउड से नीचे आता गिरता है इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद या एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, सॉरी जीरो नहीं मैक्सिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो उसका वेट है और अपथ्रस्ट एंड जो आपका विस्कस फोर्स है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, इस केस में नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिक्विड ड्रॉप जब एयर में फॉल करता है या रेनफॉल जब होता है तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट से नीचे गिरता है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से गिरता है, तो उस कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल velocity. तो terminal velocity, the maximum constant velocity, the maximum constant velocity, the maximum constant velocity acquired by a body the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium viscous medium is called its terminal velocity. It's a terminal velocity. ठीक है, तो maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal velocity. So now terminal velocity की condition में, terminal velocity की condition में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो viscous force है and upthrust force है वो किसके equal होगा, mg के equal होगा। तो simply यहाँ पे just at let the terminal velocity is equal to v, terminal velocity let us consider where the v hai, r is the radius of ball or object, jo spherical object hai uska radius hai, and f jo hai yahan pe simply f jo hai wo viscous force hai, viscous force which is acted on the ball due to the viscous medium, and viscous force that is equal to 6 pi eta r into v, v is the constant terminal velocity, this constant terminal velocity, and u is the upthrust force, upthrust force and upthrust force is equal to the v rho into g and weight w is equal to weight of object that is equal to mg. तो यहां पे ये क्या जाएगा, इसका mg हो जाएगा। क्लियर, सुनो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में या सिंपल लिखते हैं व्हेन द बॉडी अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगा तो इस केस में जो वेट होगा इसका mg, दैट इज इक्वल टू u प्लस f. mg जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस f. क्लियर? सो नाउ mg, mg इज व्हाट, mg यहां पे क्या लेंगे, mg इज इक्वल टू, देखो यहां पे थ्रस्ट फोर्स इसमें सिग्मा लेते हैं, इसको सिग्मा इज द सिंपली रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो यहां पे ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी है, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी है. सो नाउ mg इज व्हाट, m मास इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देन दैट इज v इनटू डेंसिटी. किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज रो, तो v रो g, एंड v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो इनटू g. तो सिंपली mg की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू g is equal to upthrust force. Upthrust force is v rho g. V is what? That is equal to 4/3 pi r cube. V is the volume. V is volume of object. And volume is spherical. So 4/3 pi r cube. And sigma into g. N plus f. F jo hai aapka simply. That is 6 pi eta. 6 pi eta r into v, r into v. तो हमें यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, velocity, terminal velocity कैलकुलेट करना है, इसको उठा के तो फेंक देना. तो यहाँ से 6 pi eta r into v is equal to, we get, जब इसको उठा के फेंक देंगे तो 4/3 pi r cube ng कॉमन आ जाएगा, तो rho minus sigma बचेगा, यहाँ पे rho minus sigma बचेगा, pi से pi cancel, force इसको r2 से डिवाइड करना, 2 to 4 2 3 6 देखो, एक आर से एक आर कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इसके डिवाइड में, तो 2/9 r² यहाँ पे r² बचेगा, g दैट इज रो माइनस सिग्मा इनटू g बाय ईटा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय ईटा. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमारा क्या टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, जी अपॉन ईटा. ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे. एंड नाउ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.